Assalamualaikum guys, welcome back to YouTube vlog। तो आज का vlog हम शुरू करते हैं। तो अभी हम सुबह उठ चुके हैं, ठीक है, जुम्मे का दिन है। मैंने इन लोगों को बड़ी मुश्किल से उठाया, मैंने कहा जुम्मा पढ़ लो यार, जुम्मा बहुत ज़रूरी है। ये लोग जुम्मा भी नहीं पढ़ने थे इन्होंने। तो अभी हम उठे हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जुम्मा पढ़ते हैं, ठीक है। आज का vlog यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। आज जाएंगे हम कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कल का जो vlog होना है वो बड़ा अच्छा होना है, क्योंकि वेदर में आ रही है स्नोफॉल। कल का vlog आपको पता बड़ा रोमांटिक होना है। तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, लो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जैसे बड़ी मुश्किल से एक ही रेस्टोरेंट मिला हमें, ठीक है, वो भी व्यू के पास ही। और पुलाव सुलाव क्या करते हैं, इसके पास है हर चीज ही है, ठीक है। देखते हैं क्या मंगवाते हैं नाश्ते में, बड़ी भूख लगी। उसके बाद जुम्मे का टाइम भी हो गया, तो जुम्मा पढ़ते हैं उसके बाद। चेक करना भाई, चेक कर कैसा टेस्ट है यार, फिर मंगवाए, बड़ी भूख लगी है नाश्ता करना। हाँ सही है, चिकन डाला होगा उसके। ओके मंगवा लो यार, मंगवा लो। ओके भाई मंगवा लो। A few moments later. रेडी हो गए हैं, ठीक है। आज आपके बहन ने थोड़ा अलग ही कुछ ड्रेसिंग की है, ठीक है। सारे हट रहा हम थे, ठीक है, कोई भी नहीं आया, तो साथ बकड़ को पकड़ा है। अभी हम जा रहे हैं, पहले अपना शूट वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद जाएंगे कोई रोटी पानी, मतलब जो भी करेंगे सबको साथ पकड़ के करेंगे वो, ठीक है। पहले यहाँ से पकड़ना स्नैक्स, इनको पकड़ाने हैं घर, ठीक है। उसके बाद जाते हैं शूट आगे करते हैं, देखते हैं, क्योंकि सूरज इधर रात इतनी जल्दी हो जाती है ना रात के, मैं क्या बताऊँ यार। टॉप ड्रेसिंग है, लॉन्ग शूज कर लिए, मफलर शफलर साथ, ये इनका सामान पकड़ लिया, जमान लोगों को ये पकड़ाते हैं, फिर हम निकलते हैं। बस ये आ गया गाड़ी, इन लोगों को पकड़ा के बस हम फिर निकले जी। बोर्बन वाली साइड पे जा रहे थे, ठीक है। ये हमने मगर लोकेशन हमें अच्छी लगी, हमने यहाँ बड़ा हैवी शूट कर लिया है, ठीक है। मगर आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ यार, ड्रीम क्रिकेट ग्राउंड है कसम खुदा की। पीछे से गाइस पूरा पहाड़ का व्यू, इधर पिच, अभी लड़के खेल रहे थे, अभी ज़रा थोड़ा सा ना रात हो गई इस वजह से चले गए। बहुत ही स्टैटिक यार ग्राउंड है, बड़ा मज़ेदार यार, इधर भी लोगों का ड्रीम ही होता है खेलना, कि नहीं बकर साहब? बड़ा बेहतरीन यार ग्राउंड है, बहुत मज़ेदार ग्राउंड। कभी हमें भी मौका मिले यहाँ खेलने का तो मज़ा ही आ जाए। आउट क्लास गाइस तस्वीरें नहीं है, बहुत आउट क्लास तस्वीरें आ गई हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपना मतलब कोई निज़ाम वगैरह करने, मतलब इंजॉय वगैरह करने, क्योंकि पहले तस्वीरें और वीडियोज हैं, उसके बाद है बाकी निज़ाम। बाकी जो क्रिकेट ग्राउंड दिखा दिया ना यार, ये ड्रीम है कसम से, किसी का खेलना है क्रिकेट है नहीं। बाकी इंजॉय करते जाते हैं, आप लोग व्यूज इंजॉय करो, मैं बोलूँ कम ही व्यूज ज़्यादा इंजॉय करो। एक जगह लगी है, ये एटीएम देखो कितना, मतलब आई थिंक एटीएम बनाया है। मिला कार्ड, मारते हैं पैसे निकलवाएं जल्दी जल्दी। क्या पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा भी आ गया, आ गया, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए, खाते पीते हैं, मॉल थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, उसके बाद निकलते हैं वापस। ओपीटी भी आए हैं, ठीक है, मरी मॉल रोड और लाइव किचन चल रहा है। लाइव किचन ये बड़ा अच्छा सीन है बकर साहब, है लाइव किचन चल रहा है, तुम देख सकते हो कि भाई क्या बन रहा है, क्या सीन बना रहा है, क्या नहीं। मगर एक चीज़ है, ये सारा ही खाली पड़ा है भाई, टोटली खाली। और नहीं वो एक बंदा बैठा था, वो खा के गया, वो देख वो एंड में बैठा था, ठीक है। तो दो तीन बंदे बैठे थे, वो गए अभी, मगर पूरा टोटली खाली है ओपीटी पी। मगर बहुत अच्छा यार, मतलब इनका सीन लग रहा है, क्योंकि मैंने ओपीटी पी वैसे भी पहले खाया हुआ है ना, तो काफ़ी अच्छा है, तब देखो क्या मतलब लगता है। मगर यार वो मुझे ना पार्क याद आई जा रहा है, वो जो ग्राउंड था ना क्रिकेट वाला, लव था कसम से, बड़ा दिल करता था मेरा खेलूँ, मगर के खेलता था ही नहीं, वरना हम ज़रूर खेलते। मगर बहुत अच्छा यार, बाहर का भी बनाया हुआ है। अच्छा जी बाहर देखते हैं कैसा है बाहर का। अच्छा गाइस पूरा निज़ाम, हुए हुए हुए, फुली रोमांटिक मौसम, ये तो बंदा आए तो कपल के साथ आए,
मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कपल के साथ ही हो, मैं अपने दोस्तों के साथ आके तंग आ गया, मुझे भी कपल चाहिए, मैंने भी शादी करनी, मगर अभी शादी करके हम जिंदगी खराब नहीं कर सकते, हमने अपना फ्यूचर अभी बनाना है, ठीक है ना। मगर बहुत ही लेवल यार, मान लोग मिस कर रहे होंगे क्योंकि खाना जाना हम अकेले खाने आ गए, उनको नूडल्स दे के बस हम आ गए थे कि हमने कहा नूडल्स खाओ, अंदर बैठे यहीं बैठे यहीं से क्या, चलो यहीं बैठते हैं। तो अभी बर्गर्स वगैरह मंगवाए हैं, ठीक है, और सैंडविच मंगवा लिए, फ्राइज मंगवा लिए, बोतल वगैरह वो खाते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी बाहर का क्या सीन है माल रोड का। वैसे मड़ी माल रोड मतलब आने का कोई स्पेशल मकसद हमारा कोई नहीं है, हम तो अपने दोस्तों के साथ जो है टाइम स्पेंड करने आए हैं, ठीक है, और शुगर मेला लगाने हैं, ऐसे ही है कि नहीं बकर, क्योंकि ये चीज़ें हमने सारी देख ली है, आपको पता है चाइना बॉर्डर तक देख लिया हुआ है, मगर ये वैसे बस टाइम पास और इन्जॉय करने अपने दोस्तों के साथ आए हैं, तो काफ़ी मतलब सुकून करो भाई, सुकून लो बस बैठ के आप लोग। खाना आ गया, हाय 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 हाय, गर्मा गर्म फ्राइज मज़ेदार। फ्राइज स्टार्ट करें, जो फ्राइज है ना वो मज़ेदार मतलब दमदार लग रहा है, जूसी बर्गर फुल टाइम। ओए उसको ग्लास दे दे, खा लिया था ना ओपीटीपी से, ठीक है, तो अब चुप करके हमने ये अलबेक आए हैं, ठीक है, जहाँ से हमने कल खाया था, ठीक है, तो अलबेक आए हैं, चुप करके हमने कहा कि यार उन लोगों के भी ले ले लें बर्गर, हमने उनसे पूछा यार बिरयानी खानी है या बर्गर खाने, कहते बर्गर, हमने ओपीटीपी से पकड़े इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ से ठंडे हो जाने थे, हमने कहा यहाँ से पकड़ लेते हैं, पहले तो मैंने इससे कहा है कि भाई अंडे वाले बर्गर लगवा लेंगे, ठीक है, मगर भाई जी माल का बन जाना तो मुँह और उम्र का, ठीक है, हमने कहा अच्छी बर्गर जो हमने खाए वही इन लोगों के लिए करवा लेते हैं भाई, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बर्गर पैक करवाएंगे, उनको जाके देते हैं, ठीक है, वहाँ घर में बैठ के ही खाई जा रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे, ठीक है, उनको घर में ही बस पसंद आ के रहना है, घर में बैठ के खाई जा रहे हैं, और आपका भाई फुल टाइम ओपीटीपी, जब से मड़ी आया ना, जब से पहला बर्गर मज़ेदार खाया ओपीटीपी का, सही बात है, मज़ेदार बर्गर यकीन मानो, तो वहाँ जाते हैं बर्गर शर्गर पकड़ते हैं उसका, तो निकलते हैं। मैं एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, ये क्या लिखा है यार, एटीएम ने 12 को हु आगे आप नहीं पढ़ सकते हो भाई, मैं नहीं बताऊँगा। चलो माल उठाए हैं, जमाल आज तो बहुत ही ग्रेसी लग रहे हो, जुली जुली से लग रहे हो, गैस मेरे फेवरेट गुलाब जामुन खाने आए हैं, और रश इतना है यार इधर के, मुफ्त में बिक रहा है, मेरा पर्स दे दिया करो बाबा, हर टाइम मेरा पर्स पकड़ा होता है। जलेबियाँ कभी कोई ना हो तो आपके पास दूध जलेबियाँ ही आती हैं, ठीक है, अगर आपके पास कपल नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो दूध जलेबियाँ बेहतरीन है, ठीक है, सर्दी का नुस्खा, ठीक है, क्या उम्र हो गया तुझे। हाँ जी जमाल साहब, जमाल की ये उंगलियाँ नहीं मारनी मेरे में, वो जाग रहा था, नहीं नहीं रहने दे, दूध जलेबियाँ रहने दे, ठीक है भाई, ये मैं ले लेता हूँ, खुश हो तुम्हारी खुशी के लिए, और दूध जलेबियाँ तुम ले लो, ठीक है, चलो ये ले लो गाइस, बाकी क्वालिटी अच्छी बनी लगी थी, चलो दूध जलेबियाँ खाते हैं, यहाँ ब्लॉग एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब मार दो, ठीक है, तो एंड करते हैं, बाय बाय।